इस वक्त देश भर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधान हाथों में तलवार लिए महिलाओं संग झड़प करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का है, जहां ग्राम सभा ध्यानपुर के प्रधान समर सिंह और उसके भाई बलविंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक परिवार में जाकर खूब गुंडागर्दी और मारपीट की और साथ ही वार्ड मेंबर के प्रस्तावक को किडनैप भी कर लिया। प्रधान समर सिंह ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए पुलिस को सूचना दी कि वो प्रस्तावक स्मैक बेचता था, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरी सच्चाई सामने आई। नानकमत्ता पुलिस ने मामले की जांच में पाया कि प्रधान समर सिंह ने गलत जानकारी दी है, लेकिन ग्राम प्रधान और उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना कर पुलिस शायद इसे हल्के में ले रही थी। लेकिन फिलहाल जब महिला के साथ मारपीट करने वाले इस प्रधान का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को हरकत में आना ही पड़ा। सोशल मीडिया में अभी अभी देखने को मिला है और थाने से भी पता किया गया, वहाँ बताया जा रहा है कोई पुरानी घटना का ये वीडियो है। इसको सोशल मीडिया से इसका संज्ञान लेते हुए थाने को तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं। लगभग कब की वीडियो होगी सर, कुछ पता लग पाया? अभी काफ़ी देर पुरानी बता रहे हैं और कोई बता रहे हैं कि वहाँ जो लोकल लोग थे उनका समझौता भी हो गया, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में ये चीज़ आई है, हमारे संज्ञान में पहली बार आई है, तो इसकी जांच विस्तृत रूप से थाने से करवाई है। क्या ये पता लग पाया कि किस चीज़ की लड़ाई होगी सर, ये जो कि तलवार लेकर? वो लगेगा, जांच इसीलिए करवाई जाएगी क्या है, क्यों नहीं कंप्लेंट क्यों नहीं आई थाने पे, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते हैं जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो थाने पे तहरीर आती है, अगर वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं होती तो उसके बाद SSP CO एडिशनल SP तक बात आती है, तो ये वहाँ से बात नहीं आई तो मोस्ट लाइकली लगता है कि उनका आपस में समझौता हो गया, लेकिन फिर भी इसकी जाँच करवा के विस्तृत जानकारी की जाएगी।